हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। फ्रेंड्स, आज का जो टॉपिक है वो मौर्य काल का ही सेकंड पार्ट है, क्योंकि मौर्य काल बहुत बड़ा है तो हम लोगों ने एक पार्ट में पढ़ लिया था मौर्य काल के बारे में, कि मौर्य काल में क्या क्या चीजें थी, क्या फेमस था, क्या उसकी विशेषताएं थी। अब उसके अंतर्गत ही हमने जो दो कलाएं पढ़ी थी, राज्य कला और जैन कला, तो हम अशोककालीन कला में सबसे पहले अब उसका जो इम्पोर्टेंट पार्ट है वो पढ़ेंगे, मुख्य स्तंभ। तो अभी कौन कौन से मुख्य स्तंभ आज हम पढ़ेंगे? सारनाथ स्तंभ, सांची स्तंभ और रामपुरवा का वृषभ शीर्ष। यानी हमने बहुत ज्यादा चीजें हैं पहले भी बताई मौर्य काल में, बट जो सबसे ज्यादा पूछी जाती है, इम्पोर्टेंट है, वो हम ब्रेक करके थोड़े थोड़े उसमें पढ़ेंगे, ताकि आपको कंफ्यूजन भी ना हो और नोट्स बनाने में, क्योंकि मौर्य काल जो है वो बहुत लेंदी है और बहुत सारा कंफ्यूजन है, स्तंभ है, स्तूप है, तो लोग सारे स्टूडेंट कंफ्यूज हो जाते हैं और उनको समझ में नहीं आता है। बट हम उसको ब्रेक करके अगर पढ़ेंगे थोड़े थोड़े पार्ट में, तो हमको कंफ्यूजन नहीं होगा। तो इससे पिछले वीडियो जो आप लोगों ने नहीं देखा है तो लिंक दे देंगे हम, आप उसको जाके देख सकते हो, तो आपको और समझ में आ जाएगा। आज का जो वीडियो है उसी के आगे से हम पढ़ रहे हैं, क्योंकि अशोककालीन मुख्य स्तंभ, सारनाथ स्तंभ, सांची स्तंभ, रामपुरवा का वृषभ शीर्ष। सारनाथ, सारनाथ सभी को पता है, इम्पोर्टेंट है, हमेशा पूछा जाता है, और ये बनारस के से कुछ दूरी पर स्थित है। ठीक है, ये तो हो गई बात। बहुत सारी डिटेल तो आप लोग को बुक्स में खुद मिल रह जाती है, हर बुक्स में, बट हम यहाँ पे जो मोस्ट इम्पोर्टेंट चीजें हैं थोड़ी थोड़ी वो ही यहाँ पे पढ़ेंगे। सबसे नंबर वन पे सारनाथ, यह चुनार के बलुआ पत्थर से निर्मित है, लगभग 45 फुट लंबे प्रखंड का बना हुआ है, चमकदार पॉलिश आज भी वैसी ही दिखाई देती है। ठीक है, नेक्स्ट है, 250 ईसा पूर्व में निर्मित हुआ तथा यह अशोक स्तंभ के नाम से भी जाना जाता है। यानी सारनाथ स्तंभ को अगर हम अशोक स्तंभ लिख दें तो भी एक ही बात है। ठीक है, यह स्तंभ अब भी अपने मूल स्थान पर है, किंतु उसका शीर्ष भाग सारनाथ संग्रहालय में संग्रहित है। बहुत सारे बच्चे गए होंगे सारनाथ, उन्होंने देखा होगा, पर जो नहीं गए हैं वो फोटो पे जाके देख सकते हैं, क्योंकि जो मेन स्तंभ था वो जो उसकी जगह थी मेन, वहीं पे ही स्थित है, बट उसको जो ऊपरी भाग है अब वो सारनाथ संग्रहालय वहीं पे बगल में बना हुआ है, उसमें अब सुरक्षित रखा गया है। यानी अगर आपसे पूछा जाता है कि जो मूल स्तंभ है वो, जो स्तंभ है वो कहाँ पे है, तो आप ये लिख सकते हो कि वो अपनी अभी भी उसी जगह पे है, मूल स्थान पर, बट उसका जो ऊपरी शीर्ष भाग है वो सारनाथ संग्रहालय में सुरक्षित है। शीर्ष में 4 शेर बैठे हैं, चौकी के चारों ओर 4 धर्म चक्र और 4 पशु अश्व वृषभ मृग गज उत्कीर्ण है। ये वही है सारनाथ अशोक स्तंभ जो हमने पहले इस पर डिटेल वीडियो ऑलरेडी एक आपको अलग से बना के उस पर अच्छे से समझा दिया है, क्योंकि ये मोस्ट 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 इम्पोर्टेंट है, इसके बारे में सबको पता है और ज्यादा से ज्यादा इसके बारे में आता भी है पेपर में। ठीक है, तो शीर्ष में क्या है इसके, 4 शेर बैठे हैं, चौकी के चारों ओर 4 धर्म चक्र, 4 पशु अश्व वृषभ मृग गज उत्कीर्ण है। ये अक्सर पूछा जाता है इसलिए हाईलाइट किया है मैंने, 4 पशु पूछे जाते हैं ऑप्शन में और पूछा जाता है इसमें से कौन नहीं था या कौन 4 थे। शेरों के बीच में ऊपर की ओर एक विशाल धर्म चक्र बना हुआ है, यह भारत के राष्ट्रीय प्रतीक के रूप में अपनाया गया है। अगर पूछा जाता है कि भारत के राष्ट्रीय प्रतीक के रूप में कहाँ का किस स्थान के स्तंभ का या किस स्थान के स्तंभ के शीर्ष भाग का को अपनाया गया है, तो हम लिख सकते हैं सारनाथ, और किसका है ये, अशोक स्तंभ का। ठीक है, निचले भाग में स्थित चक्र को तिरंगे के मध्य भाग में रखा गया है। ठीक है, इस स्तंभ में 3 लेख भी हैं, जिसमें पहला लेख अशोक के समय का है जो ब्राह्मी लिपि में है, दूसरा लेख कुषाण तथा तीसरा गुप्त काल का है। ये इसलिए भी इम्पोर्टेंट है क्योंकि अभी मैंने आप लोग को कई बार ये बात बताई है, और अलग अलग वीडियो में ये इसके रिलेटेड क्वेश्चन भी है, कि जो न्यू पार्लियामेंट हाउस बनी है उस पे भी हमारा ये अशोक स्तंभ का जो सबसे ऊपरी वाली वो है वहां की संसद भवन की, वहां पे इसको स्थापित किया गया है। ठीक है, ये बस की पॉइंट है, आप लोगों को एकदम रट लेना है, इसमें कोई भी ऐसा नहीं है कि जो इम्पोर्टेंट नहीं है, हर चीज इम्पोर्टेंट है। नेक्स्ट है, ये देखिए वही है जिसके बारे में मैंने पहले भी वीडियो में बना बना चुके हैं इसके बारे में डिटेल। ये है सिंह चतुर्मुख, 4 शेर बैठे हुए हैं, और जो इसका चारों तरफ का एरिया है इस पे देखिए 4 पशु हैं,
ये अक्सर पूछा जाता है, और ये जो चक्र बना है इसको बोलते हैं धर्म चक्र। ठीक है, ये ब्राह्मी लिपि में लिखे गए लेख, ये जो हम आप अपने लेफ्ट साइड में देखोगे तो लेफ्ट साइड वाला है ओरिजिनल, मतलब लेफ्ट और राइट दोनों में ही है, इसमें थोड़ा बड़ा करके दिखाया है। ये ब्राह्मी लिपि लिखी हुई है, बहुत लाइट लाइट, देखिए आपको समझ में आ रहा होगा। और ये अपने मूल स्थान पे है, देखिए इसके चारों तरफ कवर्ड कर दिया गया है अब इसको, और इसी का ऊपरी भाग है जो वो संग्रहालय में सुरक्षित रखा गया है, ये इसका ऊपरी भाग। पॉलिश देख सकते हैं आप, अभी भी वैसी की वैसी ही है, ये इसी स्तंभ का ऊपरी भाग है। ठीक है, ध्यान रखिएगा। तो ये अपने मूल स्थान पे है, और वो कहाँ पे है, संग्रहालय में रख दिया गया है, बट है कहाँ, दोनों सारनाथ में। नेक्स्ट है सांची स्तंभ। सांची, इसके अलावा भी अगर सारनाथ स्तंभ के बारे में आप और किताबों से अच्छा अच्छा डिटेल पढ़ सकते हो तो आप उसको पढ़ के उसके नोट्स बना सकते हो। नेक्स्ट है सांची स्तंभ मध्य प्रदेश। सांची का स्तंभ कहाँ पे है, मध्य प्रदेश, कौन सा जिला है, रायसेन जिला। मोस्ट इम्पोर्टेंट, बहुत बार पूछा जाता है सांची का स्तंभ, सांची का स्तूप कहाँ पे है, मध्य प्रदेश। सांची का यह स्तंभ ईसा पूर्व तीसरी शताब्दी में निर्मित माना जाता है। बहुत बच्चे स्तंभ और स्तूप में भी कंफ्यूज होते हैं, स्तंभ अलग है स्तूप अलग है। ठीक है, ज्यादातर जहाँ पे स्तूप है उसी के पास में स्तंभ है। सांची का यह स्तंभ ईसा पूर्व तीसरी शताब्दी में निर्मित माना जाता है। यह सांची स्तूप के दक्षिण प्रवेश द्वार के पास स्थित है। कहाँ पर स्थित है, अभी मैंने बताया ना स्तंभ और स्तूप दोनों अलग अलग है। स्तूप यानी सांची का जो स्तूप एमपी में है उसके दक्षिण प्रवेश द्वार के पास स्थित है। यहाँ शीर्ष पर पीठ से पीठ मिलाए चार सिंह बैठे हुए हैं, यद्यपि सिंह टूट चुके हैं उनके अवशेष प्राप्त हुए हैं, मतलब वो एक तरीके से खंडित है बट उनके अवशेष प्राप्त हुए। इसकी चौकी डिजाइन से सुशोभित है और बीच में दाना चुगते हंस हैं। सांची का स्तंभ सारनाथ स्तंभ की भांति ही प्रतीत होता है। इसकी वास्तुकला ग्रीक बौद्ध कला से मिलती जुलती प्रतीत होती है। बहुत ही शॉर्ट में मैंने बनाया है, बहुत ही की पॉइंट है, इससे आपको कंफ्यूजन नहीं होना, बहुत ज्यादा थ्योरी इसमें नहीं रटनी है, बस जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है केवल उसी को ही पढ़ना है। तो क्या क्या हो गया कि सबसे पहली बात तो किसकी तरह मिलता जुलता अगर पूछा जाता है तो सांची का स्तंभ किससे मिलता, सारनाथ के स्तंभ से। शैली क्या है, वास्तुकला की ग्रीक कला शैली से मिलती जुलती है। इसके शीर्ष पर भी पीठ से पीठ मिलाए चार सिंह बैठे हैं बट वो क्या है, अब खंडित है या टूट चुके हैं, अवशेष प्राप्त हुए हैं। कहाँ पे स्थित है, जो सांची का स्तूप है एमपी में उसके दक्षिण प्रवेश द्वार के पास स्थित है। मोस्ट इम्पोर्टेंट ये देखिए, ठीक है, आई थिंक आप लोग को अब समझ में आ रही होंगी चीजें, हमेशा इसीलिए पिक्चर देखते रहना चाहिए। नेक्स्ट है रामपुरवा स्तंभ, मोस्ट मोस्ट इम्पोर्टेंट, मैंने बोला ना ये तीनों आप लोगों को बिल्कुल रट लेने हैं, क्योंकि इससे तो क्वेश्चन आए ही हैं, कोई भी पेपर हो इसमें से क्वेश्चन जरूर आया है, केबीएस हो, टीजीटी पीजीटी हो, या और भी जो आप लोग के एग्जाम होते हैं आर्ट से रिलेटेड, सब में इससे क्वेश्चन आते हैं। तो रामपुरवा का जो स्तंभ है यहाँ से दो खंडित स्तंभ प्राप्त हुए, कहाँ पर है, बिहार। एक हमने पढ़ा सारनाथ वाराणसी के पास का, दूसरा हमने पढ़ा एमपी रायसेन जिला मध्य प्रदेश का, और तीसरा हमने पढ़ा रामपुरवा स्तंभ यानी बिहार का। यहाँ से दो खंडित स्तंभ प्राप्त हुए हैं। 1876 ACL कलाइल द्वारा रामपुरवा स्तंभों की खोज की गई थी। 1876 में ACL कलाइल नाम है द्वारा रामपुरवा स्तंभों की खोज की गई थी। कहाँ पे है, भारत के बिहार राज्य के पश्चिम चंपारण जिले में स्थित है, जो नेपाल की सीमा के बहुत करीब है। अब अगर पूछ लिया घुमा के कि जो रामपुरवा का स्तंभ प्राप्त हुआ था वो भारत वो किस देश की सीमा के बहुत करीब है, तो हम लिख सकते हैं नेपाल की सीमा, क्योंकि बिहार में प्राप्त हुआ तो बिहार के पास क्या हुआ, हमारा नेपाल, नेपाल की सीमा के बहुत करीब है। पहला रामपुरवा का वृषभ शीर्ष और दूसरा रामपुरवा का सिंह शीर्ष, दो स्तंभ प्राप्त हुए थे, रामपुरवा का वृषभ शीर्ष और दूसरा रामपुरवा का सिंह शीर्ष। देखते हैं इसको, रामपुरवा का जो वृषभ शीर्ष है मोस्ट इम्पोर्टेंट है, इसके बारे में बहुत बार क्वेश्चन आया हुआ है इसलिए मैंने हाईलाइट कर दिया है। रामपुरवा का वृषभ गतिशीलता तथा स्वाभाविक देखने को मिलती है, स्वाभाविकता विशेष रूप से ग्रीक कला का प्रभाव है। उसकी चौकी गोल है जिसमें फूल छोटे छोटे ताल पत्र और कलिका का सुंदर अलंकरण है, यानी कलियां बनी हुई हैं। यह बिना शिलालेख के, मतलब इसमें कोई भी लिपि नहीं है, कोई लेख कुछ नहीं लिखा हुआ। वर्तमान में यह वृक्ष कहाँ पे है, राष्ट्रपति भवन नई दिल्ली के प्रांगण में स्थित है। मोस्ट इम्पोर्टेंट है, आपको रट लेना है, रामपुरवा का वृषभ शीर्ष कहाँ पे है, बहुत बार पूछा गया है, वर्तमान में कहाँ पे है ये, राष्ट्रपति भवन नई दिल्ली के प्रांगण में स्थित है। अब हम इसकी पिक्चर देखेंगे,
ये देखिए रामपुरवा बुल इन प्रेसिडेंट पैलेस मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, इसलिए बहुत बार पूछा गया, इसलिए मैंने इसको अलग से लिखा है। कहाँ से ये समय स्थित है, अगर ये पूछा जाता है तो राष्ट्रपति भवन नई दिल्ली के प्रांगण में स्थित है। ठीक है, अब है सिंह शीर्ष, दो मिले वृषभ और सिंह, दोनों इम्पोर्टेंट है। विकास की दृष्टि से कलाकार ने अब श्रेष्ठता प्राप्त कर ली थी। यहाँ गोल चौकी को हंस पंक्ति से सुशोभित किया गया और मौर्य कला यहाँ अपनी पूर्ण विकास को दर्शाती, मतलब अब जो ये सिंह शीर्ष प्राप्त हुआ था इसमें मौर्य कला जो थी, मौर्य आर्ट थी, वो बहुत ही ज्यादा उन्नत हो गई थी और ही ज्यादा उसमें क्लियरिटी आ गई थी। यहाँ लेख भी लिखे गए हैं, मतलब जो वृषभ वाला था उसमें लेख नहीं मिला है, लेकिन जो सिंह वाला उसमें लेख मिला है। अब ये कहाँ पे है, वर्तमान में यह सिंह शीर्ष कोलकाता के भारतीय संग्रहालय में सुरक्षित है। आई थिंक आप लोगों को कोई कंफ्यूजन नहीं होगा, रामपुरवा सिंह स्तर पर शिलालेख, ठीक है, इसमें शिलालेख मिला, उसमें शिलालेख नहीं मिला, ये देखिए, ठीक है। इस वाले वीडियो में हम इतना ही पढ़ेंगे, क्योंकि बहुत ज्यादा अगर पढ़ेंगे तो कंफ्यूज हो जाएंगे, थोड़ा थोड़ा पढ़ेंगे, नोट्स बनाएंगे तो आपको आसानी रहेगी। तो बहुत ही सिंपल तरीके से हमने तीन चीजें पढ़ ली। सबसे पहले हमने क्या पढ़ा, सबसे पहले हमने ऑलरेडी जो बहुत इम्पोर्टेंट है सारनाथ का, और सारनाथ के बारे में मैंने अशोक स्तंभ के बारे में एक डिटेल वीडियो ऑलरेडी केवल अशोक स्तंभ के बारे में बनाया हुआ है। अब इसमें क्या है, ये मैंने तीन इसलिए बता दिए क्योंकि इसमें से बहुत ज्यादा चीजें आती हैं और ये मौर्य कला है, तो मौर्य कला जब हम पूरा पढ़ेंगे तो ये सारी चीजें हम सीक्वेंस में पढ़ेंगे, ठीक है। तो हमने सारनाथ पढ़ा, दूसरा हमने क्या पढ़ा, सांची स्तंभ पढ़ा मध्य प्रदेश, और तीसरा हमने पढ़ा रामपुरवा स्तंभ। रामपुरवा में क्या थे, दो पार्ट हो गए, इसको दो तरीके से हम बांट के पढ़ लेंगे, एक वृषभ शीर्ष और दूसरा सिंह शीर्ष। वृषभ शीर्ष कहाँ पे है हमारा, राष्ट्रपति भवन नई दिल्ली में, और सिंह शीर्ष कहाँ पे है हमारा, कोलकाता में संग्रहालय में। तो ये मोस्ट इम्पोर्टेंट चीजें हैं, इसके अलावा आपको कोई कंफ्यूजन हो कुछ भी तो वो आप कमेंट्स करके पूछो। मौर्य कला से रिलेटेड और भी जो इम्पोर्टेंट चीजें आती हैं, जो इसकी अब जो हम देखेंगे, जो और इसके अलावा भी किस किस सिस्टम के बारे में पूछते हैं, तो उसके बारे में भी हम दो दो तीन तीन लाइन में अच्छे से जो भी उसका इम्पोर्टेंट चीज होगा, कहाँ पे स्थित है, किसने खोज करी, या मोस्टली तो यही पूछते हैं कहाँ पर स्थित है, या अगर कोई किसी म्यूजियम में या संग्रहालय में है तो वो संग्रहालय पूछते हैं, या वो अपनी अपनी मूल स्थान पे है तो वो मूल स्थान पूछते हैं, खंडित है नहीं खंडित है, लिपि है नहीं लिपि है, यही कुछ क्वेश्चन होते हैं जिससे निकल के आता है। आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा। मौर्य कला बहुत इम्पोर्टेंट है, इसलिए इसको थोड़ा सा ब्रेक करके अच्छे से और समझ के ही पढ़ना रहेगा, जिससे आपको कभी भी ये टफ नहीं लगेगा। मौर्य कला का ऑलरेडी एक वीडियो आ चुका है, ये मेरा सेकंड पार्ट है, जिसमें मैंने तीन स्तंभ के बारे में पढ़ाया, मोस्ट इम्पोर्टेंट स्तंभ है, इसको आपको अच्छे से पढ़ के इससे अपने नोट्स बनाइए। आई होप वीडियो आपको पसंद आया है। इसके अलावा और कोई क्वेश्चन है, मैं आपसे बार बार कहती हूँ, अगर कोई कंफ्यूजन है तो आप कमेंट्स करके पूछ सकते हो। मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।